पिछली बार आप सब लोग ने ये कहा था कि मैनिफेस्टो कहाँ है, तो आज मैनिफेस्टो के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपने पीडीपी की वर्कर्स की जो कल अनंतनाग में तमाम वैली से, तमाम जम्मू से, पीर पंचाल हो, चुनाब वैली हो, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, शुपयान हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, बांडीपोरा हो या गांधरबल हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए और मेरी हौसला अफजाई की, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद आज हम मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है, हमने एक छोटा सा मैनिफेस्टो आज रिलीज कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के हालात को देख के, यहाँ की जरूरत को देख के, सड़क, बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, खास तौर से 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील की जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, खास तौर से 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शिनाख्त हो, हमारी जमीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियां हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हमें दिन ब दिन बेख्तियार किया जा रहा है, हमें बेदखल किया जा रहा है, वहाँ आवाज़ उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फर्ज है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़, यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको आवाज़ दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज़्यादा इसी के इर्द गिर्द है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में ही जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल कही है, हमारी जमीन के, लैंड के लॉस तब्दील किए गए, जिसकी वजह से जो हमारे असासे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिजली हो, पानी हो, उसके बाद लिथियम आ गया, उसके बाद आपका नीलम आ गया, उसको बाहर के लोगों को, जो बड़े 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 सरमायादार हैं, उनको मूंगफली के दाम उनको तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे जो तरक्की के काम है या डेवलपमेंट वर्क्स, उनके ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। रेत बाजरी से लेके लिथियम तक सब जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। नौकरियां देने के बजाय रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, दांधलियों के ऊपर दांधली, मगर नौकरियां देने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर के मुल्क के और यहाँ के जेलों में जो है पिछले 5 साल से न कोई सबूत, न कोई केस, न कोई कार्रवाई, जेलों में वो बंद पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, उनको अपनी जमीन से खदेड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है। इसी तरह जो बैकबोन हॉर्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री की है, उस नुकसान में जा रहे हैं। रोज हमारे यहाँ छापे पड़ते हैं, खासकर जो हमारे कारोबारी लोगों को डराया जाता है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, उनको धमकाया जाता है, पासपोर्ट किसी को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों के बंद होते हैं, एनओसी के लिए तंग किया जाता है, शक की बुनियाद पे लोगों को तंग किया जाता है। तो ये पिछले 5 साल से चल रहा है और कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसा से शिकस्त का मुर्दा बन के बैठ जाएंगे, मगर हमने फैसला किया है पीडीपी ने। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 साल से हमने अपनी आवाज को बरकरार उठा के रखा, जिसके लिए पीडीपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लोगों को लेके गए, हमारे वर्कर्स को तंग किया जाता है, मुझे बजाते खुद तंग किया गया, मेरी मदर को तंग किया गया, मेरे भाई को तंग किया गया, हर हिसाब से जो चल पड़ा वो कर लिया, और मेरे वर्करों को भी तंग किया जाता है, मगर हमने जम्मू कश्मीर की आवाज को दबने नहीं दिया। तो आज का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों की बात की उसके बारे में बात करेंगे, अभी तक यहाँ करते थे, इसके बाद पार्लियामेंट में करेंगे इंशाल्लाह, और इसके अलावा जो MPLAD फंड होता है, ज्यादा नहीं होता है, उसमें भी हमारी प्रायोरिटी यहाँ के यूथ होंगे, जो हु आर द फर्स्ट एंड द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ जो भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुआ है जेलों में, उनको डालते हैं। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो फटाफट उनको SHO साहब आते हैं और उनको कहते हैं पोस्ट हटाओगे कि या तुमको जेल में डाल दें। जर्नलिस्ट का क्या हाल है, वो सजात से पता चलता है, 5 साल के बाद छोड़ दिया,
दोबारा बंद कर दिए, ये जर्नलिज्म का हाल है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को प्रायोरिटी देके उनके लिए प्लेग्राउंड्स, उनके जो खेलकूद का सामान, उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ लैपटॉप हो, कंप्यूटर, जो उनकी जरूरत का सामान होगा। औरतें जिनको घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं होती, उनके लिए हम पार्क्स बनाना चाहते हैं, और उनके जो स्किल सेंटर्स में उनको जरूरत पड़े मशीन्स की और दूसरे चीजों की, वो हम उनको देना चाहते हैं। आप जानते हैं हमारी जो बच्चियां होती हैं स्कूल में, उनके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बहुत इनकन्वीनियंस होती है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। दूर दराज इलाकों में पानी की किल्लत है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे वहां। और जो ट्यूबवेल्स के लिए, मतलब जो हमसे छोटे छोटे काम हो सकते हैं जो है वो तो करेंगे, मगर मैं समझती हूँ जो अभी आपने देखा कि राजौरी, पूंछ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को मिलाया गया, ये सोचे समझे बगैर कि हमारा रास्ता बंद होता है, टनल अभी है नहीं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती मुगल रोड टनल। मैंने पहले भी ये मसला उठाया था और काफी हद तक इस पे पेशरफ्त हुई थी। मुगल रोड टनल, राजधानी टनल और साधना टनल, इंशाल्लाह इसके लिए भी हम बात करेंगे। बाकी आप इसको स्कैन करके यू कैन गेट अ, इसकी आपको ये मिल सकती है कॉपीज, इधर भी कुछ कॉपीज हैं, तो इसको आप सब लोग हाथ में उठा लीजिए। उसके बाद इसको स्कैन करके, अस्सलाम वालेकुम, चलिए आगे सबके पास जी जी जी, ये देखिए, चले दीदी थोड़ा आगे आ जाओ, ये ले लीजिए, बाजी यहाँ से, यहाँ से सेल सर, बाजी यहाँ से भी, बाजी यहाँ से भी, बाजी यहाँ से भी, उधर भी आएगा, उधर भी आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, थोड़े से नीचे। तो महबूबा मुफ्ती ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिस पर उनका ये कहना है कि उनके मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी इसी चीज़ को कि जो आवाज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की दबाई गई है उसको उठाना है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा कि यही उनका मेन जो है मोटिव रहेगा, मेन एजेंडा उनका यही रहेगा कि लोगों की आवाज़ को जो दबाया गया है वो आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुँचाई जाए। पीडीपी का उन्होंने कहा कि तोड़ने की कोशिश की, उनके वर्करों को, उनके लीडरान को तंग करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद रखी, लोगों की आवाज़ जो है वो सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उनका कहना है कि उनके मैनिफेस्टो का भी यही एम है कि जो लोगों की आवाज़ 2019 के बाद से इस तरह से बंद की गई उसको पार्लियामेंट तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका मैनिफेस्टो जो है इसी सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है, खास तौर से जो लैंड लॉज चेंज किए गए हैं जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज हैं उन पर फ़र्क पड़ा, और साथ ही साथ चाहे वो रेत, बाजरी हो या फिर दीगर प्रोजेक्ट्स हो, उनका कहना है कि उसका ठेका जो है आउटसाइडर्स को दिया गया, उस वजह से यहाँ के लोगों पर, यहाँ की मईशत पर काफ़ी असर पड़ा है। और उनका फोकस, पीडीपी का फोकस, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सबसे ज़्यादा नौजवानों पर भी रहेगा। नौजवान जो कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क के कई जेलों में बंद है और बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी ट्रायल के वो बंद है, उनको लेकर उन पर काफ़ी तवज्जो रहेगी पीडीपी की। और इस मैनिफेस्टो में भी नौजवानों पर काफ़ी जोर दिया गया है, साथ ही साथ उनके लिए पार्क्स और दीगर खेल सरगर्मियों के हवाले से भी काम किया जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह से नौजवान को हरास किया जाता है, चाहे फिर वो उनके पोस्ट के लिए हो या अगर जर्नलिस्ट की भी बात की जाए, अगर जर्नलिस्ट भी कोई न्यूज़ करते हैं, उनका ये कहना है कि उनको भी जेलों में बंद किया जाता है, तो उस पर भी वो आवाज़ बुलंद करेंगी। साथ ही उन्होंने हमारी माइक नहीं लग रही है, बड़े बड़े फेम है जैसे माइक है, माइक माइक पे लग रहा है, माइक का है, माइक लैपटॉप पे लगा सकते हैं, ठीक आवाज लगाओ तो, हाँ इसको बंद कर दीजिए, इधर रखो बाजी की, अच्छा बाजी की पास ही रखो, आप नहीं हैं बस बाजी को, आया ठीक है, आ गया, आपने कम कर दिया क्या, मैंने बढ़ा दिया, नहीं नहीं कम कर दिया, कम किया बस ठीक है।
तो महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी का मंशूर रिलीज भी होगा, आप इसको सुन सकते हैं। इसमें सारा जो मैंने बातें बोली हैं, कैदियों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, वो हमारा मंशूर है, हमारी आवाज हमारा मंशूर है, दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस अबाउट मैम, जो आउटलाइन आपने अभी किया, अगर हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन उस आउटलाइन में आपने उन चीज पर कैसे 370 या 35 के रिपोर्ट में चली है, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, शहरियत के हकूक या उस तरह की चीजों को क्या इस मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, और अलावा अजीब क्या कोई खास चीज आपने अपने मैनिफेस्टो में रखी है जो दीगर जमातों ने नहीं रखी है? नहीं, मुझे तो दीगर जमातों का पता नहीं है, मैंने आपको समझाया। अगर आपने बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है जो यहाँ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, और उसमें सारे इश्यूज हमने कवर किए हैं, जो हमारी पहचान है, हमारी जमीनें हैं, जिस तरह हमें हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है, उसके बारे में इंशाल्लाह जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट जीत के जाएंगे तो पार्लियामेंट में हम इसकी बात करेंगे, इसकी ये मुद्दे अभी तक तो हम यहाँ उठा रहे हैं मुद्दे, मगर इसके बाद हम पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाएंगे। मैं पहले भी 5 साल लड़ती रही, आगे भी लड़ूंगी। थैंक यू सो मच। एक सवाल है क्योंकि यहाँ पर अब आजाद साहब के बाहर निकलने से अब दो ही पार्टियां जो है वहाँ पर मैदान में लग रही है, तो आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि कल तक आप बिल्कुल एक ही डंडे के तले जो स्ट्रगल थी वो कर रहे थे, लेकिन आज आपको लग रहा है कि अब कश्मीरियों के लिए ये सेटबैक होगा कि आप भी दो पार्टियां मुकाबले? ये नहीं होना चाहिए था, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ये सब कुछ दे दिया था, मगर काश अगर वो उनको यही फैसला करना हो तो काश एक बार मुझसे पूछ लेते, मुझे कहते महबूबा आपको नहीं लड़ना है, हम ही लड़ेंगे और हम ज्यादा बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर की जो मजालिम है उनकी अक्कासी कर सकते, तो शायद ये मसला ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। पर उसके बदले उन्होंने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, पीडीपी का कहां वजूद ही नहीं है, उससे मेरा वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा हिल गया और वो दिल बर्दाश्त हो गया और मजबूरी में हमें भी मैदान में आना पड़ा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने कहा फारूक साहब को कि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे, वह फैसला करते हुए कम से कम आप जब किसी को फैसला सुनाते हैं उससे बात तो करते हैं ना, उसको वजह तो बताते हैं ना, मैंने ये फैसला क्यों किया, और फैसला तो मीडिया के जरिए अनाउंस नहीं होना चाहिए ना, उन्होंने तो मीडिया के जरिए सब कुछ अनाउंस किया, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारे लोगों की, कि जो हमने 5 साल संभाल के रखा एक प्लेटफॉर्म को, एक ही झटके में खुदा ना खास्ता उसको इतना नुकसान पहुंचा कि कल तक जो हम इकट्ठे बैठते थे आज हमारे वर्कर एक, मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग्स की कहीं मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं की, हम अपनी बात करते हैं और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी बात करें ताकि कुछ न कुछ लोगों में जो एक भरम रहे कि हम साथ कुछ न कुछ साथ में। अपना मंशूर जारी कर दिया है और इस हवाले से वो बता रही थी कि उनका फोकस जम्मू कश्मीर की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, और उन्होंने ये भी कहा कि काफी अहम है इस वक्त के दौर में और इस वक्त के माहौल में कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाई जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ चुके हैं। समीर, पीडीपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया, और जिस तरह से कोई अगर ऐसा कहे कि क्या नई बात या क्या इस तरह का कोई ख़ास चीज़ थी, वो तो सुनने में जिस तरह से उन्होंने मीडिया में बात की वो कोई स्पेसिफिक मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ था, पर जो बातें वो लगातार कहती ही आ रही थी वो सेम चीज़ें उन्होंने रिपीट की कि आवाज़ को दबाया गया, वो आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाना है, नौजवानों को जेलों में बंद किया गया है, उनके हवाले से बात करनी है। मज़ीद इस हवाले से आप हमें बताएं।
देखिए अमनंसा, ये जो पीडीपी का मंशूर है, छोटा सा मंशूर है, लेकिन कई चीज़ों पे महबूबा मुफ्ती ने रोशनी डाली है। और पीडीपी क्योंकि वैली की तीन सीटों पे चुनाव लड़ रही है और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना, वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस को कोशिश की है उन्होंने एड्रेस करने की, और यही मंशूर में चुनाव वैली ये पीर पंचाल एरिया जो राजौरी पूंछ है वहाँ के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि मुगल रोड पर एक टनल तामीर करने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं रीच आउट करने की कोशिश है उन लोगों की जो कि पूंछ राजौरी में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं दी या उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, उनकी आवाज़ वो बनके पार्लियामेंट में वो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए लैंड प्रोटेक्शन की बात, जॉब प्रोटेक्शन की बात, रिसोर्स के प्रोटेक्शन की बात, जो जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पीडीपी का रहा है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस आय जैसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी इसी मंशूर को, और ये अपनी पार्टी हो, डीपीएपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर आप धारा 370 को आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री बनी है, ये अब आएगा नहीं वापस, तो कम से कम धारा 371 के तहत जो कि यहाँ पे लैंड प्रोटेक्शन है, यहाँ की जमीनों को प्रोटेक्ट करना, यहाँ की जॉब्स में लोकल लोगों को प्रेफरेंस देना, यहाँ के रिसोर्स पे बाहर के लोगों के बजाय अपने रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करना, उनको बाहर ना भेजना, ये कई मुद्दे हैं जिस पे ये पार्टीज लगातार बात कर रही हैं। और आज पीडीपी का जो मंशूर है वो भी इसी की अक्कासी करता है, इसी की रिफ्लेक्शन करता है कि पार्टी जो है वो मानती है कि अगर धारा 370 पर कोई बड़ी बात नहीं करनी है लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, चाहे वो लैंड प्रोटेक्शन हो, रिसोर्स का प्रोटेक्शन हो, यहाँ पर जॉब्स में लोकल्स को बढ़ोतरी, और सबसे बाद में जो पीडीपी ये कह रही है कि यहाँ पे हरासमेंट का माहौल है, यहाँ पे लोगों को उनके मुताबिक वहाँ यहाँ पे दबाया जाता है, तो इन चीज़ों को भी महबूबा मुफ्ती ने इस मंशूर के जरिए छुआ है और कोशिश की है कि जो लोग, जो वोटर है, उसको ये समझाया जाए कि पीडीपी यहाँ पे आपकी लड़ाई, जो आपकी लड़ाई में शामिल हैं, आप जो कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं, लोगों तक रीच आउट करने की, और उसमें सिर्फ एक ही तबके नहीं बल्कि बहुत सारे तबकों को उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की है, पूंछ हो, राजौरी हो, अनंतनाग हो, या श्रीनगर या बाकी जगहों पे जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं उस तक पहुंचने की कोशिश की है महबूबा मुफ्ती ने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपने कहा कि वोटर्स तक पहुँचने की इस मंशूर के जरिए कोशिश की है, लाजमी है, मैनिफेस्टो का काम ही यही होता है। समीर, ये बताएं कि अब जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की बात करें, ये मुद्दे तो है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर लैंड रिफॉर्म, लैंड सेफ्टी, ये वाले इश्यूज जो है ये ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं, और उसी को कैश करने की चाहे पीडीपी या एनसीओ बाकी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। अब जो मैनिफेस्टो पीडीपी का आया है उसे कितना प्लीज़ कर पाएगी वोटर्स को? देखिए वो कितना उसको लोगों तक तो वो रीच आउट हो गए हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून को ही इसका पता चल जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात आज महबूबा मुफ्ती ने तस्लीम की, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो फाइट में आ जाए। देखिए अब फाइट तो मियाँ अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और महबूबा मुफ्ती के बीच में है अनंतनाग में, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी अब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका मतलब है जो कभी घटक दल थे, जो इंडिया ब्लॉक का अभी भी हिस्सा है लेकिन अपोजिशन अलायंस का हिस्सा थे जम्मू कश्मीर में, वो पीडीपी, वो पीएजीडी का हिस्सा भी बने, वही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आमने सामने होंगी, तो क्या पार्टीज को लोग उस पर, पार्टीज का रिस्पांस, जो लोगों का रिस्पांस क्या रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से सियासत की मजबूरी ने दोनों को अब एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा किया है, उसका महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर आज रिफ्लेक्शन साफ दिखा, वो खुश नहीं दिख रही है। उनको पता है कि बीजेपी उनको आपस में ही लड़वा रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं उसका फायदा आगे के असेंबली इलेक्शन में ले सकती है, तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को भी ये पता है कि ये लड़ाई जो थी कभी को जो बीजेपी के खिलाफ वो लड़ रहे थे वो अब आपस में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लड़ना पड़ रहा है। इसकी रिफ्लेक्शंस लेकिन समय पहले से दिख रही थी, क्योंकि जब पहले से बात हो रही थी और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक स्टेज शेयर कर भी रहे थे तभी इख्तलाफा दिख रहे थे, तभी ये इनके बयान कुछ इस तरह से आते थे कि जहां पर ये भी कहने पर जो है एनसीपीडीपी के बड़े लीडरान मजबूर होते थे कि हमारे
सारे कारकुनान इस अलायंस से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा था कि इंतजार कर रही हैं दोनों पार्टियां कि कब जो है दूसरी सामने वाली पार्टी जो है ये ब्रेक करने का अगेंस्ट जाने का मौका निकाल ले।